हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.1 बना चुके हैं, ठीक है, ये कर चुके हैं। अब हम लोग 10.2 करेंगे। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन किया है, मीन्स लाइक जैसे कि यहाँ पे 2, 4 दे दिया, यहाँ 5, यहाँ क्वेश्चन मार्क, इस टाइप का आप लोगों ने किया है। लेकिन अब 3 टाइप्स का आएगा, मतलब जैसे कि 3 ये देगा, जिसमें आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा समझना होगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो पूरा देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि गांव के रास्ते को पक्का करने का काम शुरू होगा। तय किया गया है कि 14 लोग दैनिक 4 घंटा काम करेंगे तो काम 15 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन 24 लोग दैनिक 7 घंटा में काम करेंगे तो यहाँ पे पूछा है कि कितने दिनों में ये काम पूरा होगा। ये त्रैराशिक पद्धति से, दैट इज रूल ऑफ 3 से हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ दिया हुआ है, पहले तो दिया हुआ है कि एक गांव है, वहां पहले दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल, यानी कि कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं, पहले ये लिखेंगे। ओके, नंबर ऑफ पीपल और डेली वो लोग कितना काम कर रहे हैं, ये हम लिखेंगे डेली वर्क आवर। ओके, कितना काम करते हैं वो लोग, और इधर लिखेंगे हम लोग कि कितने दिन में वो लोग पूरा करने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल डेली वर्क आवर एंड डेज। तो पहले कितने लोग हैं हमारे, यहाँ पे हैं 14। ओके, 14 लोग पहले काम करते हैं, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि 14 लोग काम कर रहे हैं 4 घंटे में। ठीक है, तो पहले 4 घंटा लिखेंगे, 14 लोग 4 घंटे में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 दिन में काम कंप्लीट होने की संभावना है। लेकिन यदि वही आदमी को बढ़ा दिया जाए, यानी कि यहाँ 24 पीपल कर दिया जाए और यहाँ पे वर्क आवर भी बढ़ा दिया जाए, यानी 7 घंटा अब काम कराया जाए, 7 आवर्स, तो यहाँ पे कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। आप लोग देखो ध्यान से, अच्छी तरह से देखो, यहाँ नंबर ऑफ पीपल पहले कितना है, 14 है, और वर्क आवर मेरा 4 है तो 15 डेज लग रहा है, और अब यहाँ पे है 24 डेज और 7 आवर भी बढ़ गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टाइम मेरा कम लगेगा, यानी दिन मेरा कम लगेगा, क्योंकि आदमी जब बढ़ जाएगा तो काम जल्दी जल्दी होगा, और अब जो वर्किंग आवर है वो भी मेरा बढ़ गया है, यानी 7 हो गया है, तो 7 आवर्स में अब काम और भी जल्दी कम्प्लीट होगा, इसलिए ये मेरा जो है ये जल्दी हो जाएगा, यानी ये कम होगा। ये मेरा इन दोनों से मेरा इसका रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये दोनों इससे विलोमानुपात में हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पीपल एंड डेली वर्क आवर लिख रहे हैं, एंड क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, ठीक है, डेली वर्क आवर इंक्रीजेस, देन डेज विल डिक्रीजेस। ओके, डेज विल डिक्रीजेस, क्योंकि जब यहां बढ़ेगा तो ये ऑब्वियसली घटेगा। ठीक है, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब हम इसे बनाएंगे इसका। अब यहां देखो, हम लिखेंगे पहले 15, अच्छा हम लिख दे रहे पहले एक्स लेट डेज रिक्वायर्ड इक्वल टू एक्स। ओके, डेज रिक्वायर्ड इक्वल टू एक्स, सो यहां आप लिखेंगे हम 15 बाई एक्स इक्वल टू
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये भी मेरा पलट जाएगा, ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ये भी सेम उसी तरह होगा, यानी कि 24/14 इंटू ये 7/4 हो जाएगा, 7/4, ठीक है। सो x के साथ क्या क्या आया मेरा, x इंटू 24 इंटू 7 इक्वल टू, इधर मेरा हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ, x इंटू 24 इंटू 7 एंड 14 इंटू 4 इंटू 15, ठीक है। सो अब मैं डायरेक्ट इधर से x के साथ जितने भी टर्म होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, यानी 14 इंटू 4 इंटू 15 बाई 24 इंटू 7, ठीक है, 24 इंटू 7। अब आप देखो यहाँ पे कट रहा है 7 टू जो 14, ठीक है, यहाँ 2 से यहाँ 12, 4 थ्री जो 12 और 3 से 3 फाइव जो 15, यानी कि टोटल मेरा कट किए यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। सो x इक्वल टू मेरा कितना निकला, 5, ओके। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि when number of people increases and daily work hour increases, then then the work then the work completed completed in 5 days, okay, in 5 days, that is the answer, ठीक है। सो मैं आप लोगों को, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, सुभाष चाचा के हाथों लिखी एक 105 पन्ने की पुस्तक के प्रत्येक पन्ने में 25 लाइन है एवं प्रत्येक लाइन में समान रूप से 8 शब्द है, यानी वर्ड उसमें 8 वर्ड्स हैं। इस पुस्तक को छपवाने के लिए प्रत्येक पृष्ठ में 30 लाइन रहे और प्रत्येक लाइन में अब 10 वर्ड्स हो जाए तो कितने पुस्तक में कितने पन्ने होंगे। पहले 105 था और तो 25 लाइंस उसमें हो रहे थे और 8 वर्ड्स हो रहे थे, ओके। लेकिन जब अब उसमें यदि अब 30 लाइंस हो जाए और 10 वर्ड्स हो जाए तो यहाँ छापी गई पुस्तक में कितने पन्ने होंगे। अब आप बताओ, देखो जब हम यहाँ पे यदि पन्ना मेरा 100, ये पन्ना दैट इज ये, ओके, तो ये मेरा ये जो पेज है मेरा 105 है, तो यहाँ 25 लाइन, जैसे ये लाइन होते हैं 1, 2, 3, ये 25 लाइन्स हो रहे हैं और प्रत्येक लाइन में यहाँ कितना है, 8 वर्ड्स है पहले, ठीक है। अब यदि 30 लाइन हो जाए, यदि अब लाइन मेरा एक पन्ना में यदि 30 लाइन हो जाए और वर्ड मेरा 10 हो जाए तो क्या होगा, यानी कि मेरा पेज घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब मेरा ये बढ़ जाएगा, लाइन भी बढ़ जाएगा यहाँ पे और वर्ड भी बढ़ जाएंगे तो मेरा पेज कम लगेगा। सो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मैं ऐसे ये आपको दिखा दे रही हूँ, ये आप लोग बना लेना हो, ठीक है। चलो मैं लिखती हूँ इसे कैसे होगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे लिखेंगे। पहले नंबर ऑफ ईच लाइन एंड लाइन इन ईच पेज, और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ पेज, कितना मेरा पेज लगेगा, नंबर ऑफ पेज, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईच लाइन, मेरा एक यहाँ पे वर्ड है, सॉरी मेरा नहीं, गलत लिखा है, यहाँ पे वर्ड होगा, यहाँ पे वर्ड इन ईच लाइन, यहाँ पे लाइन
इन ईच पेज, यहाँ पे कितने पेज में, एक पेज में कितने, प्रत्येक पेज में कितने लाइन हो रहे हैं और कितना पेज लग रहा है। पहले मेरा यहाँ पे एट पेज लग रहा है और लाइन मेरा कितना है 25 लाइंस है और मेरा नंबर ऑफ पेज कितना है 105। ठीक है, अब मेरा पेज वर्ड मेरा हो गया 10। ठीक है, अब 10 वर्ड्स हो गए हैं और मेरा लाइन यहाँ पे लाइन अब हो जाएगा दिया हुआ है लाइन 30, यहाँ पे लाइन हो गया तो यहाँ अब ये कितना होगा। ऐसा रहा तो देखो अब यदि इससे बढ़ेगा, ये बढ़ जा रहा है, ये भी बढ़ जा रहा है, लेकिन जब मेरा पेज अच्छा से अपना खुद सोचना कि यदि मेरा वर्ड बढ़ जाएगा और मेरा लाइन जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली मेरा पेज कम लगेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड ऑफ ईच लाइन एंड लाइन इन ईच पेज इंक्रीजेस देन द नंबर ऑफ पेज डिक्रीजेस। ओके, डिक्रीज हो जाएगा। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अब यहां मेरा क्या हो जाएगा, कैसे हम लिखेंगे 105 बाई एक्स इक्वल टू, अब ये दोनों मेरा पलट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी विलोमानुपात में हमेशा ये हो जाता है, पलट जाता है। यदि लाइन मेरा, प्रत्येक लाइन का शब्द मेरा कम बढ़ गया और प्रत्येक लाइन मेरा बढ़ गया तो ये विलोमानुपात होंगे। 105 बाई एक्स एंड 10 बाई 8 इंटू पलट दिया मैंने एंड 30 बाई 25। ठीक है, सो एक्स के साथ टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 30 इक्वल टू 8 इंटू 25 इंटू 105। सो एक्स इक्वल टू मेरा हो जाएगा 8 इंटू 25 इंटू 105 बाई 10 इंटू 30। आप लोग इसे कर लेना, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब x का टर्म निकल जाएगा, x मेरा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ पेज, यहाँ जो मेरा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये बन जाएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।